हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम प्ले के साथ में। आज हम लोग खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर 2। इसका पहला वाला पार्ट कब आया था मुझे पता भी नहीं था, सेकंड वाले का मुझे पता था, बट मुझे गेम थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही थी, मतलब इंटरेस्टिंग सी नहीं लग रही थी। बट आजकल मेरी हर वीडियो में बहुत कॉमेंट्स आ रहे हैं और अगर आप लोग चाहो कुछ चीज और वो मैं ना करूँ ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए आज हम लोग खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर और देखते हैं कि कितना अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सिमुलेटर गेम मैंने खेला कि सेम टाइप की कुछ गैस स्टेशन, वो थोड़ा सा अलग था बट उसमें भी हमारा काम यही था, हम लोग गाड़ियों में फ्यूल डलाते थे। फिलहाल यहाँ पर ट्यूटोरियल्स आ रहे ओके, तो यहाँ पर चेक योर ईमेल्स, टैप टू ओपन योर टैबलेट। ओके तो ईमेल चेक कर लेते हैं। ये हमारा फिलहाल शायद हमारा घर है और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। यूनिटी कंप्लीट ट्यूटोरियल फर्स्ट, तो मेरे को पहले कंप्लीट ट्यूटोरियल करना होगा। ओके तो मेरे को टैब दबा के मेल चेक करना है और मेल मार रखा है यहाँ पर एक मेल मेरा मदर का, उसको ओपन करते हैं। हेलो सन, आफ्टर योर फादर डाइड ही वॉज ओनली एबल टू Leave his car to us. Sell that car and get some money and get yourself a job. Otherwise, I don't know how much longer we can last. तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब है हमारी फैमिली की। हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास देखो अगर घर की हालत भी देखो तो सच में कुछ नहीं है बेचने को भी यार। हमारे पास मतलब ये घर भी पता नहीं रेंटेड है, अपना है पता नहीं, बट उसके अलावा हमारे पास ना ही कोई फर्नीचर है ना ही कुछ चीज है। यहाँ पर डोर है, मैं एक बार इनको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर दो डोर यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को। ओ नहीं है, एक बेड है, बेड लेकिन बेड को सेल करके क्या मिलेगा ना। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है कि हमको ना एक गाड़ी सेल करनी है अपनी और उसके बाद से मुझे एक जॉब ढूंढनी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग जॉब ढूंढने के बजाय हम लोग अपना जो गैस स्टेशन है वो शायद बाय करेंगे। ऐसा कुछ सिमुलेटर गेम में होता है, एक स्टोरी होती है जो कि है यहाँ पे। गिफ्ट अभी गिफ्ट कहाँ से, तो मेरे पास तो है भी नहीं। तो ये मेरी आई थिंक वाइफ है और ये मेरा रूम होगा या फिर एक खाली रूम होगा हमारे बच्चे के लिए और ये है मेरी मदर। मेंटल 50, ये क्या है मेंटल 50 यार? देखो ये ऑप्शन तो मैं कभी नहीं दबाने वाला, ये भी आ रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे क्या चीज़ है, एक बार ये देख लूँ जरा। ये आई थिंक वॉक इन कवर्ड, हमारी हालत ख़राब है लेकिन हमारे पास वॉक इन वार्डरोब तो ज़रूर होगा। तो ये है और यहाँ पे भी डोर थे ना आई थिंक, नहीं ओके तो ये है, ठीक है सारे हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक बेड है सिर्फ। तो अब मुझे इसको सेल पर लगाना है, तो एफ दबाते हैं और सेल पर लग चुकी है हमारी गाड़ी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसी छोटे से गाँव जैसी एरिया में रहते हैं। हमारे पास एक छोटा सा झूला यहाँ पे है जिसमें हम झूल भी नहीं पा रहे हैं। ओके तो अभी मुझे कस्टमर्स का वेट करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक बस स्टेशन है और ये है एक रोड जो कि मैप चेक कर रहा हूँ हमारे पास मैप कितना बड़ा है। तो मैप ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारा आई थिंक घर होगा। उसके अलावा यहाँ पर मार्केट, ये गाड़ी का कुछ है यहाँ पर, ये कैफ़े है और ये थोड़ी बहुत मार्केट वाला एरिया लग रहा है। पता नहीं इंटरेक्टिव तो लग नहीं रहा, इंटरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। वैसे यहाँ को भी खाने का नाइट क्लब है यहाँ पे एक, और यहाँ ये हमारा घर है आई थिंक, यहाँ से नाइट क्लब होगा और घूम के यहाँ पे फ्यूल स्टेशन होगा। ये जो हमको बाई करना है हमारा ड्रीम स्टार्टअप का, स्टार्टअप तो नहीं मतलब जो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल रिज्यूम करते हैं और अभी एक कस्टमर आ रखा है। ऑलराइट तो इस कस्टमर को हम लोग अपनी गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे। हाँ वेलकम, ऑफ कोर्स डू यू हैव अ प्राइस इन माइंड? यस आई वॉन्ट 3925। ओके 39, माई ऑफर इज 2 3768। 3768 ऑलराइट, बुरा नहीं है वैसे, आई अग्री कर लिया मैंने। और यू कैन फाइंड रीच टू स्टेशन, यू कैन फाइंड इट ऑन मैप बाय प्रेसिंग एम, यू कैन यूज़ द बस स्टेशन टू रीच फास्टर। बस स्टेशन से ही जाऊंगा यार, गाड़ी तो मैं बेच चुका हूँ वैसे भी अभी। मैं एक बार देख रहा हूँ कि कितना दूर है, हम लोग पैसे बचा सकते हैं ना ही, बहुत दूर है यार। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सीधा $10 खर्च करके अपने स्टेशन में। ओ बस चलने की आवाज़ भी आ रही है, अच्छी बात है, बस चलते हुए दिख जाए और अच्छी बात होती है। बट फिलहाल हमको वो तो देखने को नहीं मिल रहा है। कंप्लीट बाय प्रोसेस बाय इंटरेक्टिंग विद फेंसेस, तो सबसे पहले हमको अपना स्टेशन बाई करना है। उसके लिए हमको यहाँ पे ई प्रेस करना है और $1185 का हम लोग अपने स्टेशन हम लोगों ने बाई कर लिया। अब जाके हमको यहाँ का जो पूरा कूड़ा कचरा है ना वो फेंकना है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। होल्ड से हम लोग सेल करेंगे, जो लकड़ी का सामान है और लोहा वगैरह है वो सारा सेल कर सकते हैं। बाकी जो सामान होगा आई थिंक वो हमको क्लीन करना होगा, ये जो कचरा वगैरह। ये फिलहाल मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर कर लिया मैंने और इसको भी क्लियर कर लिया। आई थिंक जो मेरे को येलो सा दिख रहा है ना हाईलाइटेड, वो ही हमको करना है अभी क्लीन, क्लीन करना है या फिर सेल करना है, जो भी काम करना है मतलब। और अभी यहाँ से थ्रो करके डाल सकता हूँ क्या? ये गैस स्टेशन में भी ऐसा ही कुछ था, नहीं बहुत दूर चला गया। एक और है, एक और है, हम लोग पहले इसको ना ट्राई करते हैं थ्रो करने का। यार लगता नहीं, बहुत टेढ़ा टेढ़ा सा जा रहा है, मुझे लगा था कि हम लोग एक तो थ्रो कर पाएंगे बट नहीं, थोड़ा नज़दीक जाके ट्राई करते हैं हम लोग थ्रो करने का। लो फ्यूल, अभी हमारे गैस स्टेशन में फ्यूल नहीं है क्योंकि नया ख़रीदा है ना हम लोगों ने, मतलब पहले किसी का होगा तो हम लोगों ने बाई कर लिया उसको। अरे ये तो यहीं से भी नहीं जा रहा है,
पत्थर भरे थे क्या इसमें? पत्थर ही थे वैसे, इतनी आवाज आ रही है इसको फेंकने में। इसके हमको एक्सपी वगैरह आई थिंक कुछ मिल रही है, एक बार मैं चेक करता हूँ। हम यहाँ से थोड़ा दूर से ट्राई कर सकते हैं। अरे नीचे कैसे क्यों? मैं तो इसको ऊपर से फेंक रहा था, मैं इसको ऊपर से फेंकने वाला था यार, ये इतना नीचे से कैसे चले गया? मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार फेंकने की, हम लोग ऊपर डालते हैं इसको। आई थिंक 100% ज़्यादा कर दिया का। अबे दिमाग खराब, ये उल्टा अलग ही दुनिया में कहाँ भाग रहा है। न्यू बिल अराइव्ड, अभी तो जस्ट मैं अराइव हो रखा हूँ, न्यू बिल कहाँ से आ गया? ये कार फॉर सेल सिमुलेटर वाला बिल तो नहीं भेज दिया यहाँ पे? मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ ना, ऐसा मत कर देना यार। अभी हमको क्या करना है? ओके, कचरे की गाड़ी आने वाली है, और ठीक है तो कचरे की गाड़ी आने वाली है, उसमें हम लोग कचरा फेंकेंगे। अभी मैं ज़्यादा अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल पहले कंप्लीट करना होगा। मुझे ट्यूटोरियल बंद कर देना चाहिए था यार, अब पता नहीं कब आएगी ट्रैश कैन। ओ आ चुकी, आई थिंक कहीं से ये आ गई ना, ये आ गई। ओके, इससे इंट्रैक्शन कर लिया हम लोगों ने, और ये सारे का सारा जो कचरा था वो लेके यहाँ से चले गया। चलिए अब जाके मुझे इक्विप हैमर, विजुअलाइज बाय प्रेसिंग लेफ्ट ऑल्ट। ओके, तो हैमर हमारे पास आई थिंक ये है, नहीं ये नहीं है। हैमर किधर है? ओके, ये है हमारे पास हैमर। ओके, रिपेयर मार्केट विद हैमर, तो मार्केट कहाँ है हमारे पास? ये मार्केट है। ओ ओ, हमारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? एक हैमर मार के हम लोगों ने चीज बना ली। ओके, अब जाके हमको शायद, ओ ये भी टूटा हुआ है ना, आई थिंक ये टूटा हुआ है या फिर ऐसा ही है। मुझे ना ये चीज भी सेल करनी थी शायद, नहीं नहीं ओ रिपेयर कर लिया मैंने। हाँ टूटा हुआ था यार, तिरछा सा था ना वो फिक्स कर लिया। रिपेयर पंप विद हैमर। ओके, पंप हमारा अब चालू हो चुका है। रिपेयर WC विद हैमर। अब WC विदर किधर है यार? ये क्या चीज है WC? पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ ये क्या चीज है? ये वॉशरूम टाइप का लग रहा है, बट अंदर कहाँ कुछ तो है नहीं उसके अंदर। ऑर्डर कैश रजिस्टर टैब, कैश रजिस्टर टैब ओपन योर टैबलेट। जो क्या है, जोनामा। ओके, तो यहाँ से हमको कैश रजिस्टर बाय करना है $350 का। मैं घर में बोल के आया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, नौकरी ढूंढने आ रहा हूँ। उन्होंने भी मुझे यही बोला था, बट शिपिंग कॉस्ट लग रही है यार $50। बट यहाँ पे मैं अपना पंप खोल के बैठ गया हूँ। वेट फॉर द डिलीवरी गाय टू डिलीवर योर ऑर्डर। ओके, तो देखते हैं कि कब हमारा डिलीवरी पर्सन आने वाला है। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने यहाँ पर काम तो कर लिया जितना कर सकते थे। इसको उठा सकता हूँ? नहीं यार, ट्यूटोरियल कंप्लीट करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ पर हम अपना ऑर्डर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। यहाँ पर भी कुछ बनाने का ऑप्शन आ रहा है, अभी हम लोग नहीं बना सकते, बट शायद हम लोग बनाएंगे। हमारे पास $1781 है। और वेट फॉर द डिलीवरी गाय टू डिलीवर योर ऑर्डर। गाड़ी से आएगा क्या, पता नहीं। ओह डिलीवरी वाला कर गया डिलीवरी। कहाँ से आ रहा है एक बार इसको देखता हूँ मैं, कहाँ गायब हो जाएगा, देखना गायब हो जाएगा यहाँ से। ओ नहीं नहीं नहीं, गायब नहीं हुआ, पैदल पैदल आ रहा है यार ये। तो फिर तो मैं शिपिंग कॉस्ट क्यों दी मैंने, मैं खुद जाके नहीं ले आता। कहाँ से आ रहा है ऑर्डर? मैं देख रहा हूँ इसको, फॉलो कर रहा हूँ कि कहाँ तक जाता है। गेम में ना ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने में भी मज़ा आता है यार। ये तो जाया जा रहा है, मुझे लगा था कि गायब हो जाएगा। ओ एक पोर्टल ओपन हुआ है, अगर इस पोर्टल में मैं चले जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली वी कांट टेल दैट। हमको ना कुछ ये भी ऑप्शन आया कि पोर्टल मिल गया हमको, हम लोग नहीं जा सकते, बट वो बंदा पोर्टल के थ्रू आया था, यानी कि वो कहीं और से आया था डिलीवरी करने। तो ठीक है, शिपिंग कॉस्ट बनती है उस हिसाब से। यहाँ पर ना स्टार्स भी आ रहे हैं, 8:20 अभी टाइम हो रहा है, डे वन चल रहा है, और अभी हम लोगों ने काम अच्छा जा रहा है अभी तक। तो हम लोग क्लीनिंग वगैरह में ही कर रहे हैं, शायद कल से हम लोग ओपन करेंगे। फिलहाल हमारा कैश रजिस्टर आ रखा है। अब इसको मैं किधर पर लगाऊँ? ऑफिस के अंदर लगाऊंगा ना इसको मैं। ओके, लग चुका है कैश रजिस्टर। और ऑर्डर फ्यूल टैब। ओके, स्टेशन फ्यूल और ऑर्डर। कितना ऑर्डर करें लेकिन? ओके, इतना आ रहा है। फ्यूल तो हमको हमेशा चाहिए ना, तो मैंने ज़्यादा भी ऑर्डर कर लिया। इसको ओपन ही रहने देते हैं। और उसके अलावा वेट फॉर द फ्यूल ट्रक टू अराइव एंड इंटरेक्ट विद इट टू फ्यूल टैंक्स। चलिए वेट करते हैं फ्यूल ट्रक के आने का, उसके बाद हम लोग अपना जो टैंक है उसको भर लेंगे। आ भी चुका है, मैं मतलब इतनी जल्दी अभी, पता है इस रोड में मैं सोच में बैठ रहा हूँ कि इस रोड में एक गाड़ी नहीं चल रही है। अगर मैं फ्यूल मैं दिन भर ना पंप में बैठा ही रहूँगा यार, मैं अपने कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ कहीं ओके, यहाँ पर फ्यूल डालना होगा ना हमको। ओके, टैंक हमारा फिल हो चुका है, अब कस्टमर्स का इंतज़ार करना है। तो देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं। क्लीन नहीं है थोड़ा, मेरे को क्लीन वगैरह करना होगा। अब हम लोग क्या स्प्रे पेंट वगैरह उठा सकते हैं इसको? नहीं, इसको उठा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं उठा सक रहा मैं। चलिए पहला कस्टमर यहाँ पर आ चुका है, एक पिंक कलर की गाड़ी यहाँ पर आ रही है, पिंक और पर्पल सी कुछ कलर की। कुछ बोलेंगे मेरे से पता नहीं। ओह ऑटोमेटिक गेट है, वेट कर रही। अब जाके हम लोग डला सकते हैं। ये क्या बात हुई, पागल है क्या?
वेटिंग फॉर व्हीकल टू फिल अप, ठीक क्या खांसी आ रही थी, मोबाइल चला रही थी, पता नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ई प्रेस करते हैं, और कहाँ पर डलाना है गाड़ी में, मुझे तो आता भी नहीं है, मैं पहली बार कर रहा हूँ ये काम। किधर करना है? ओके, होल्ड करना है ना सिर्फ। $10 का एक बार में मुझे देखना है कि हम लोग कितना कमा सकते हैं फ्यूल से। गाड़ी फिल करनी उसकी पूरी, $17-$20 आई थिंक, पता नहीं कितना ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ये मैंने कर लिया, अब शायद उसको पे करना होगा, और पे करने के लिए उसको इतना दूर आना पड़ रहा है। ये यार ये चीज़ बेकार है, मतलब वैसे बेकार नहीं है, बट हाँ हमारा एम्प्लॉय होगा तो के लिए ठीक है, बट वहीं पर होना चाहिए ना फ्यूल स्टेशन। यार यहाँ कौन आता पे करने, उधर ही पे करते हैं सब लोग, बट ठीक है जो भी है। $87 का मेरा फर्स्ट कस्टमर, 18 की मेरे को रेटिंग दी है उसने। गैस पंप मेरे को ऑर्डर करना है, अभी हमको गैस पंप ये है एक और, मतलब हम लोग एक और लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, और ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया। बाय योर फर्स्ट, वेट फॉर द डिलीवरी गाय, तो अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा, मैं उसको लेने चले जाता हूँ वहीं पर, या फिर वेट ही करता हूँ, वेट करता हूँ वहीं से आएगा पोर्टल के थ्रू। और गैस, तो अपना डिलीवरी गाय यहाँ पर आ चुका है। ये क्या बात हुई यार, पहला वाला ऑर्डर यहाँ पर रख के गया था। अच्छा, मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उसने थ्रो करा है, बट उसने थ्रो ही किया था, लेकिन यहाँ से अच्छे तरीके से आ चुका है। अभी हम लोग इसको भी लगाते हैं यहाँ पे, एक और हमारे पास दो हो जाएंगे, और हमारा काम बहुत आसानी से होने लग जाएगा। ओके, तो आई थिंक इससे हो जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर टॉयलेट, अब जाके मुझे टॉयलेट ऑर्डर करना है। एक बार में अगर मुझे बताते तो मैं फटाफट से ऑर्डर कर लेता। टॉयलेट ऐड करना है मुझे, उसके अलावा टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर ये सब भी करना होगा ना, आई थिंक कर लिया मैंने ऑर्डर। ओके, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और भी चीज़ आ रही है, नो शिपिंग वेटिंग टाइम, नो शिपिंग फी। ये हम लोग कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए यार, वैसे है ना, बट अभी हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अभी मैं इसको करने का सोच भी नहीं रहा हूँ। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं वापस से उसी पर्सन के आने का, और अभी सिर्फ वेट चल रहा है और कुछ नहीं। ऑलराइट, तो ये भी हमारा आ चुका है, इसको मेरे को लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कस्टमर्स आएंगे वो अपना आराम से काम तमाम कर सकते हैं। तो ये भी लग चुका है, गंदा यूज्ड मेरे को टॉयलेट मिला हुआ है, अमेजोन से रिफर्बिश्ड आइटम ले लिया मैंने। ओके, तो ये दो चीज़ें ले ली, अब जाके फ्यू कस्टमर्स कम एट नाइट, गो होम यूजिंग द बस स्टेशन। चलिए, यहाँ पर हमको कैट भी मिल रही है, कैट मेरे को हर उसमें दिख जाती है। अब जाके हम लोग चल रहे हैं यहाँ से घर, और रात के टाइम पर वापस आऊँगा मैं। स्लीप इन योर बेड, सोने का ऑप्शन आ रहा है अभी। ओके, तो हमारे घर में तीन लोग रह रहे हैं, लेकिन बेड पता सिर्फ एक है, अब कैसे सोएंगे पता नहीं, ना दरी है ना कुछ और है हमारे पास। यार ये बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। फिलहाल मैं सो जाता हूँ, ये दिन में सो जाएंगे है ना, ऐसा करते होंगे, फिर हम सो जाते हैं अभी। गो टू स्टेशन यूजिंग बस स्टेशन। यार अब ट्यूटोरियल ख़त्म कर देने चाहिए ना, मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल तो हो चुके, बहुत हो गया काम, बहुत हो गया, बहुत सीख लिया हमने, अब मुझे ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे मतलब सब चीज़ बताया जा रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे चाहिए नहीं है ऐसा वैसे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने गैस स्टेशन में, टैबलेट ओपन करनी है, ये ओपन करना है, और हम लोग अभी ऑल में चलते हैं। अब मुझे शेल्फ बाय करना है, बाय कर लिया, ऑर्डर कर लिया। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, ओ फॉर एवरीवन, हम लोग ये लगा सकते हैं यहाँ पे कि कौन यूज़ कर सकता है, वो वाला हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग बाद में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये क्या चीज़ है, गंदगी किसने खा के फेंका हुआ है यहाँ पर आधा अधूरा। अब इसको हमको फेंकना है ट्रैश कैन में, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा दूर है। ओ अभी अंदर गया प्रॉपर तरीके से। इन लोगों ने मुझे बेसिक चीज़ें बता दी कि कैसे क्या ऑर्डर करना है, बाकी अब हमको काम करना होगा यहाँ से। चलिए यहाँ पर किधर करना है, ओके ये बंदा पे करने तो उधर ही आएगा ना, तो हम लोग अब अपना काम फोकस करते हैं। डे टू है आज मुझे पैसे कमाने, हमारे पास $396 है यहाँ पे। टैब ओपन करते हैं और रेटिंग मेल वेल चेक करते हैं। अंकल का मेल आ रखा है, वी आर प्राउड टू से दैट यू हैव फाइनली सक्सेसफुली ओपन्ड योर बिजनेस, रिमेंबर देयर इज अ लॉट टू डू अराउंड, कंसिडर इंप्रूविंग योर स्टेशन, एक्सपेंड योर मार्केट, अपग्रेड योर पंप्स, रिन्यू योर टॉयलेट, हायर न्यू एम्प्लॉज, सच डेवलपमेंट्स विल अट्रैक्ट मोर एंड वेल्दियर कस्टमर्स टू द स्टेशन। ओके अच्छी बात है, मेरे को कुछ काम की चीज़ें बता रहे कि रेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। द फ्लोर इज प्रीटी बैड, मुन्ना मुन्ना नहीं है वैसे, मुन्ना है उसका नाम। ओके तो यहाँ से अभी हम लोग कोला मैंने ऑर्डर कर लिया था, मिल्क, सिगरेट लोग बहुत पीते हैं, और सोडा, चॉकलेट, चिप्स, आई थिंक सभी कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर उनको मैं चाहता नहीं कि ऐसे उल्टा सीधा भेजूँ। $780 यार, इतना तो मेरे पास है भी नहीं, क्वांटिटी में कम करके फ़ायदा हो नहीं रहा यार, इसको छोड़ते हैं अभी, क्या दूँ मैं इस बंदे को अभी। अच्छा पे कर ले, रुक जा, मेरे को ना थोड़ा देर का इस काम करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर कस्टमर्स आ रखे हैं, इसका हो गया क्या काम, अभी हुआ नहीं ना।
यार 100% होने में टाइम लग रहा है इनको बहुत। तो मुझे लगा नहीं था अंदर कोई बंदा पे करने के लिए आ रखा आई थिंक। देखते हैं, मुझे लगता है कि है कोई अंदर पे करने को। यार नहीं, वो बंदा किधर चले गया, लेके चला गया गाड़ी आई थिंक, पे कर लिया होगा उसने, है ना। 100% इसका होने ही वाला है बस। 84% 5% आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जब हम उसको अपग्रेड कर लेंगे ना उसके बाद से इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हम लोग जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अब ये बंदा पे करने को आएगा। अबे किस चीज़ का वेट कर रहा है, पे डंडा निकालूं क्या, पे करना है इसको, कहाँ गया, पे कर। अबे पे क्यों नहीं कर रहा है, पे नहीं कर रहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्यों। वहां पर कोई और कस्टमर आ रखी है, इनको ये चाहिए। ओके तो मुझे लगता है कि अपने गैस स्टेशन में मुझे चीज़ें रखनी पड़ेंगी और एम्प्लॉय तो अभी तो वहाँ हायर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खुद ही करने की कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। इसको ना प्रेस करे रखना पड़ा है जिसमें टाइम बहुत लग रहा है। यार इसको क्या दिक्कत है, बंदा क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। अब जाके गया शायद वहाँ। ओके समझ में आ रहा है मैंने गलत करा उसके साथ, वो बंदा सिगरेट पी रहा था तो क्योंकि अंदर सिगरेट नहीं पी सकता था तो इसलिए आई थिंक। हाँ एक बार ट्राई करते हैं कि कितने का है। ये होगा हमारा $68 हो रखा है मुझे लग रहा है। हाँ ये वही उसी के पे करने आ रखा है, $68 का तो हो नहीं सकता। चलिए ठीक है तो अच्छी बात है, सिगरेट खत्म करने के बाद वो बंदा अंदर है। फिलहाल यहाँ पर गाड़ियां लग रखी है बहुत सारी, एक बार मैं दो हैंडल करना उतना मुश्किल भी नहीं है वैसे। बट मुझे कुछ सामान ऑर्डर करना था, अभी मेरे पास ना पैसे कम है, मैं सब कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे को चाहिए पैसे ज्यादा थोड़े से। इसको निकालते हैं यहाँ से। और गाइस तो यहाँ पे ना थोड़ी सी कंप्लेन आ रही लोगों की कि सामान सारा है नहीं हमारे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना ऐड कर रहा हूँ। ठीक है अभी हमारे पास $244 का हो चुका है सामान। आई थिंक मैंने क्या क्या ऑर्डर करा, ये कैचअप कर लिया, ये भी कर लिया और सब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मैं देखते जा रहा हूँ हमारे पास $600 तक का हम लोग सामान ऑर्डर कर सकते हैं, 612 तक का। तो 572 का तो ऑलरेडी हो चुका है, 616 हो चुका है, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा 616 वाला, लास्ट वाला ये रिमूव करना होगा 607। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, अब हमको एनर्जी ड्रिंक से ऑर्डर करना है। फिलहाल ऑर्डर आने में टाइम लगेगा शायद थोड़ा सा, तो तब तक हम लोग थोड़े से जो कस्टमर्स आ रखे हैं उनको देख लेते हैं। वैसे सिंगल कस्टमर आ रखा है, इनकी गाड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी है, मेरे को मन कर रहा है कि इनकी गाड़ी चलाओ। एक और कस्टमर आ रखा है, फिलहाल इसको इसमें लगा लेते हैं और हम लोग निकालते हैं यहाँ से एयर फ्रेशनर। ओह ये हम लोग यहाँ पर भी डाल लेते हैं और इसको अभी हटाते हैं। फिलहाल एक और यहाँ पर कस्टमर आ रखा है, डिलीवरी अपनी अब आ रही जस्ट डिलीवरी भी आ रही, तो एक बार फट से ना इसको कर लेते क्योंकि रेटिंग भी अपने को बढ़ानी है। ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सामान कुछ भी नहीं है और जो डर्ट वर्ट हो रही है वो तो मैं क्लीन करता रहूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। अभी उतना गंदा भी नहीं हो रखा है, जल्दी आ जाए यार, भारी सामान है इस बार। अब ऐसे फेंक मत काम, कांच की चीज़ें उसमें, बस फिल्टर कॉफ़ी थी इसमें। एक सेकेंड मुझे देखना पड़ेगा कि यार किस तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके एक और बंदा आ चुका है पे करने को, $57 का इसका बिल है। ओके ये इसको फिल्टर कॉफ़ी चाहिए। ओके मुझे ना गाइस देखना है कि हमारे पास जो बाकी सामान है वो किधर चला गया, मैंने तो बहुत सारा सामान ऑर्डर करा हुआ था। ये है क्या, एक एक करके, अबे मुझे लगा था एक साथ सामान देगा ये, तो एक एक करके लेके आ रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ से प्रेस ई टू पिक डिटर्जेंट। ओके अब इस तरीके से मैं काम करूँगा, एक बार मैं सारा ऐड कर लूँगा उसमें। लोग वॉशरूम भी जा रहे हैं और वहाँ मुझे लग रहा है कि उनको शायद गंदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंदा हो सकता है, मैंने क्लीन नहीं करा हुआ है वहाँ पे। इसको ओपन करते हो, शिट बहुत गंदा है, इसको कैसे क्लीन करूँगा, बदबू आ रही बहुत गंदी वाली। ये है ना, इसे करते हैं। यार ये कितना गंदा काम करने को मिल रहा है मेरे को। रात का टाइम हो रहा है और अब मैं यहाँ पे फ्यूल डलाने में लगा पड़ा हूँ, अभी भी फटाफट से डलाते हैं। ओके, तो अंदर चलते हैं, वहाँ पर शायद कोई जाना भी चाहेगा तो वो जा नहीं पाएगा। एक मेल आ रखा है, एक बार मेल चेक करते हैं। हे हाउ अबाउट मेकिंग सम मनी, आई एम इन द बाजार एट नाइट, कम एंड फाइंड मी। लेकिन पुलिस वाले भी घूम रहे ये भी तो है, पुलिस वाले घूम रहे, मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा ताकि जो हमारा कस्टमर है ना वो पे कर पाए मुझे। कस्टमर यहाँ पे है और बहुत अंधेरा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बाजार में आने के लिए बोल रहा है मेरे को। बस इसको निपटा के जाता हूँ मैं, 65% हो चुका है। यार आवाज़ आई थी कहीं से, और अट गए तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा बाजार में और वहाँ पर देख के आते हैं कि क्या काम होने वाला है। फिलहाल अपना गैस स्टेशन तो अच्छे से चल रहा है, आ भी चुका, अपन को सारा काम सीख लिया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा बाजार में, $10 खर्च करके बाजार में रात के टाइम पर हम लोग देखेंगे, अगर लगेगा कि सही चीज़ है तो हम लोग और मतलब सही चीज़ तो नहीं है, अभी हमको पैसे कमाने हैं, हमको देखना है कि यहाँ पे यहाँ पे कुछ बात करनी है किसी से। नहीं कॉफ़ी वगैरह बाय नहीं करनी मुझे, मुझे खाना वाने का भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे करना क्या है इसका। यार ये मैंने बाई तो कर लिया लेकिन मुझे फ्यूल स्टेशन को भेज दिया मैंने, ये बताओ बंदा यहाँ पे दोबारा से मैं बाई कर रहा हूँ और फ्यूल स्टेशन में भेज रहा हूँ, अब मेरे पास घर जाने को पैसा नहीं है, नहीं नॉट इनफ मनी।
मेरा घर कितना दूर है, मैं कहाँ पहुँ अभी? अरे बाप रे, नहीं इतना लंबा, मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी? एक सेकंड में देख रहा हूँ कि क्या हम लोग लोन वगैरह ले सकते हैं। लोन पंप बैंक, यहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं, 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है। घर जाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है मेरे को। मैं फिलहाल पैदल पैदल जाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैप दिखने का बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं आई थिंक, ऐसा लग रहा है। और रोड देखो आप यार, यहाँ पे कौन गाड़ी लेके आएगा, इतना गंदा मैप। ये देखो यार इतनी ज़्यादा ढलान, मतलब यहाँ पे तो एक्सीडेंट्स होंगे बहुत सारे। यहाँ पे किसी के घर तो हैं बट हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे आई थिंक। मैं लाइव अपडेट हो रहा हूँ क्या? मुझे देखना है कि हम लोग लाइव अपडेट हो रहे हैं। हमको ना सीधा यहाँ से जाना था इस वाली रोड में। योर एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, यू कैन रीच हायर लोन्स अभी। ठीक है, तो हमको पैदल घर तक जाना होगा। ठीक है, आज का दिन अच्छा था, बस ये ड्रग के चक्कर में पड़ा ना, गड़बड़ी हुई मेरे साथ। कल जाके स्टेशन में देखते हैं कि उसका करना क्या है, हमको सेल कितने में होगा। हम लोगों ने $100 में 2 पैकेट बाय करे हुए। अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर अपने गैस स्टेशन में, और यहाँ पे ना चोरी भी हो रही है, मतलब किसी ने मेरे नूडल्स चोरी कर लिए। अभी मुझे चीज़ें समझ में आ रही। तो दो दिन में पुलिस यहाँ पर विजिट करेगी। उससे पहले आई थिंक अपना पास जो ये ड्रग वगैरह मैंने रखा हुआ है ना, ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमको थ्रो करना पड़ेगा। अगर पुलिस ने देख लिया तो फिर हम जाएंगे पकड़े। तो फटाफट से हम लोग जितना भी सामान है इसको सेल करने की, इसको नहीं एटलीस्ट उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले यार यहाँ पर ना, एक सेकंड मुझे पंप ओपन करना पड़ेगा क्या अपना? कोई आ नहीं रहा कस्टमर यहाँ पर। एक बार मैं टैब जाता हूँ और स्टेशन में जाता हूँ। अभी हम लोगों ने फ्यूल, स्टेशन ओपन आई थिंक अब करा मैंने, या फिर क्लोज हो रखा है पता नहीं। बट फिलहाल हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा काम। मैं यहाँ से घर तो नहीं जाना चाहता पैदल अकेले अभी। एक सेकंड, यहाँ पर कोई, ये कौन है, चोर है क्या ये? यार कोई तो है ये बंदा, इस यहाँ पर आने का क्या मतलब है? हाँ मैंने चोरों को पकड़ लिया। अब इसके पास कुछ मिलेगा मेरे को? नहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो जैसे तैसे अपने घर पहुंच चुका अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। मतलब मैंने पैसे देखे नहीं कि मेरे पास कितने, मैंने 2 ड्रग के पैकेट बाय कर लिए और मुझे पैदल घर आना पड़ा। फिलहाल मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी हम लोग सो जाते हैं। कल सुबह हम लोग देखेंगे, क्योंकि पुलिस भी आने वाली, तो उससे पहले हमको वो बेचना पड़ेगा वरना पकड़े जाएंगे तो फाइन पड़ेगा। और अभी ये सब मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी। अलार्म बज रहा है, आई थिंक अलार्म है। ओके तो अभी भी मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अबे यार मैं इतना दूर पैदल कैसे जाऊँ अभी? मुझे तो फिर तो वही वेट करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी जाना पड़ेगा हमको। मैं शॉर्टकट देख रहा हूँ, एक सेकेंड। हम लोग इस पहाड़ी से हम लोग जा सकते हैं आई थिंक। अगर हम लोग, हाँ इस पहाड़ी से हम लोग शॉर्टकट जा सकते हैं। तो पहाड़ी से चलते हैं सीधा। मेरे पास गाड़ी नहीं है यार, मेरे को गाड़ी जल्दी बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि अपने पास पैसे ना हो और इतना दूर चल के आना पड़ रहा है। ओके तो मेरे को अपना पंप यहाँ से दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं सीधा। बहुत जल्दी जल्दी आ गए यार, अगर हम लोग ऊपर आ रहे होते ना तो टाइम लगता। अभी हम लोग नीचे को आ रहे थे तो बहुत आसानी से आ गए, जल्दी आ गए। अब जाके थोड़े बहुत पैसे कमाने ताकि रात के टाइम अपने घर में जा पाऊँ। पहली गाड़ी आ चुकी। एक चीज़ मेरे को पता चली कि रात के टाइम ना कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पे, और आए भी नहीं थे। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, जो भी गंदगी हो रही है जितना भी मेरे को दिख रहा है वो क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए फाइनली अपने पास पैसे तो आ जाएंगे। यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं। ओके तो यहाँ कहीं पे ना कुछ होगा, आई थिंक घर वर होगा, वहाँ से लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैं बार बार इसको क्यों ओपन कर ले रहा हूँ, इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके तो अपने पास 2 ड्रग के पैकेट पड़े हुए हैं। कोई लेगा इनको नहीं लेगा पता नहीं यार, मतलब मैं चाहता तो हूँ कि बिक जाए। स्टॉक खत्म है, आ चुके हैं। ओ इस वाला सेकंड, अबे यार ये क्या हुआ हमारे साथ? पुलिस वाले 2 दिन के अंदर आने वाले थे ना, 2 दिन बच रहे थे, पहले कैसे आ गए? निकल लेके चले गए ना। हाँ $100 का नुकसान हो चुका अपना। अबे कहाँ से कोला वाला चोर ले रहे हैं? मैं पुलिस वाले को जाके मार सकता हूँ क्या? ये बंदा अंदर आ रहा पे करने के लिए, बट तब तक मैं उसका गाड़ी में फ्यूल डाला। ये देखो यहाँ पे ऐसे फेंक के जा रहे हैं ये लोग, ये चीज़ तो सही नहीं है यार, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वहाँ क्यों जा रहा है? इसकी गाड़ी तो ये है, पता नहीं, लेकिन अब अपनी गाड़ी छोड़ के जा रहा है वो बंदा। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों उसकी गाड़ी इधर खड़ी हुई है। और अब देखो अब घूम के आ रहा है इतना लंबा रास्ता। ओ न्यू रिकॉर्ड 16 मीटर का हमारा बन चुका है। ओके शिट कुछ मिला हमको, दिमाग खराब ये है यार, ये ही। अब मेरे को ध्यान देना होगा, ये मेरे को बंद करके रखना होगा, या फिर ये वैसे भी चोरी कर सकते हैं शायद। ओ पता नहीं यार, ये ना बहुत देर से इतना ही चल रहा है, 99.2%। ओके समझ में आ चुका है, फ्यूल कम है, तो जब तक उसकी गाड़ी में पूरा फ्यूल डलेगा नहीं
वो यहाँ से जाने वाली है नहीं। हमारे पास कितने डॉलर बचे हुए, 233 डॉलर का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं वही सोचूँ यार, चलो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना मैं सोचता कि गेम का बग है। गेम का बग नहीं था, ये था कि फ्यूल ख़त्म हो रहा था, और 100% होने के बाद ही। ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर लोग पूरा ना 100% फ्यूल डला रहे, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े कम पैसे का, एग्जैक्ट अमाउंट ऑलमोस्ट सिमिलरली डला रहे। किसी की गाड़ी में कम आता होगा, किसी में ज़्यादा आता होगा, बट उसी हिसाब से हमको अभी देखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है वापस से ना पुलिस वाला आ रखा है, एक बार देखता हूँ कि इस बार क्या करता है, कुछ खरीदता है या फिर सीधे सिर्फ चेक करने के लिए आ रहा है। मुझे लग रहा है सिर्फ चेक करने के लिए आया, खरीदेगा कुछ नहीं। फाउंड नथिंग इलीगल। ओ शिट, नहीं, मैं इनको मार रहा हूँ, नहीं करना है मुझे। मेरा तो बिल आ रहा है यहाँ पे, कहाँ गया मेरा बिल, स्टेशन बिल्स। ये देखो पेनल्टी है हमारे सर पे इतनी सारी। नहीं यार, पहला दिन अच्छा नहीं गया अपना ज़्यादा कुछ, मतलब मैंने, मुझे नहीं मानना चाहिए था इनको, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल कस्टमर्स को निपटाते कमा लेंगे हम लोग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस वही कि मैंने सोचा था कि हम लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन नुकसान हो गया अपना। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर अच्छा चल रहा है। मेरे को बस अपनी रेटिंग बढ़ानी, +4 की रेटिंग हमको मिली है। प्रोग्रेस नहीं दिख रहा कि कितना रेटिंग के बाद सेकेंड स्टार होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आज के लिए मुझे अपना ना जो गैस स्टेशन है उसको बंद कर लेना चाहिए, और इसी के साथ आज का एपिसोड भी यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, मेरे को पता है कि हम लोगों ने आज गलतियाँ करी हैं, सबसे पहले ड्रग बाय करके, वो एक नया एक्सपीरियंस था, पता चल गया कि ना हमको अभी किस तरीके से काम करना, नेक्स्ट टाइम से हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। और सेकेंड, पुलिस वालों को या किसी को भी मारना नहीं है। मेरे पास डंडा था तो खुजली और थी, मार दिया, ये नहीं करना है। पेनल्टी बढ़ रही है $50 की, आज हमारे पास $200 की पेनल्टी पड़ी हुई है जो मेरे को पे करना है। अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कर देंगे जल्दी, और पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।